एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अपना पिछला व्लॉग अधूरा छोड़ दिया था, जहाँ पे हम लोग पानी पीने आए थे, आई मीन नारियल पानी पीने आए थे। तो अभी यहीं से मैंने कंटिन्यू किया है। आई नो गाइज, मैं व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट कर देती हूँ। दरअसल शिवांशी को संभालना, घर को मैनेज करना, सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है और स्टिल आई एम लर्निंग। प्रॉमिस नहीं कर सकती, मगर कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ आपके लिए व्लॉग लेके आऊँ। अगर रोज़ नहीं तो ऑल्टरनेट डेज में व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँ। अलग तरह से खोल के दिया है ना, हेलो बॉक्स की जैसा शेप भी दिया देखो। हम लोग अक्सर नारियल पानी पीते रहते हैं, मगर इस बार कुछ ये नारियल को ना बॉक्स जैसा बना करके उन्होंने दिया था और काफी अच्छा सा शेप दिया था, तो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए और पापा मम्मी हमें स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। शिवांशी सो रही थी तो मैंने उसको सोते सोते ही जगा लिया और कपड़े उसके नहीं चेंज किए थे, क्योंकि मुझे लगा वो आधी नींद में है और मैंने उसके अगर कपड़े चेंज किए तो कहीं वो इरिटेट ना हो जाए। पता है घूमने जा बात कर रही है, हैं? नहीं पता है ना? अच्छा बंटू तो सारा भी एक बार आज मैन तू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जल्दी से बताओ नाइन टेन कुछ देख रही है बाहर। अच्छा बिल्डिंग देख रही है बाहर। तो हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ट्रेन भी आने वाली है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मम्मी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, वो तो काफ़ी देर तक हम लोगों को बाय करने के लिए यहाँ पर खड़ी भी रही और पापा भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। ये मोमेंट सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मन नहीं कर रहा था कि हम लोग जाएं, मगर काम की वजह से हमें मुंबई जाना पड़ेगा। चलो जान की बाय कर दो। और लगभग हमें हाफ एन आवर वेट करना पड़ा होगा और हमारी ट्रेन आ गई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार हम लोग बाय ट्रेन क्यों जा रहे हैं। दरअसल गौरव शूट करके आए थे और शूट से वो डायरेक्टली वडोदरा आ गए थे, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग वडोदरा से मुंबई बाय ट्रेन जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग बाय रोड आए थे तो बहुत ज़्यादा गौरव टायर्ड हो गए थे। वेल, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि ट्रेन से ट्रैवल करने के भी अपने अलग ही मज़े हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया वडोदरा से मुंबई तक ट्रेन में ट्रैवल करके। आप लोगों को ट्रेन में सफ़र करना कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या बोला तूने? आया आजा चलो। शिवांशी आ रही, वो ट्रेन भी रहना चाहती है बोलती। चलो चलो आजा, आजा, आजा। तो
तो आपने देखा ना, शिवांशी को इतना बुलाने पर भी उसके पापा बार बार उसे बुला रहे थे, लेकिन शिवांशी को तो नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा था। उसको जैसे लग रहा था ऊपर वाली बर्थ में ना कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। तो स्टेशन आने वाला था और मैं सोची थी शिवांशी नीचे उतर जाए तो मैं उसके बाल थोड़े से ठीक कर दूँ और उसे उसके सैंडल्स भी पहना दूँ। तो काफ़ी देर बाद में शिवांशी का मन हुआ नीचे आने का। तो काफ़ी देर बाद में शिवांशी जब नीचे उतरी तो कुछ देर तक उसने अपने पापा के साथ कुछ उस तरह से टाइम स्पेंड किया था और फिर उसके बाद में वो अपने आप ही बीच में बैठ गई और बाहर देखने लगी। आई थिंक शिवांशी ने भी ट्रेन का सफ़र बहुत इन्जॉय किया, उसे भी काफ़ी मज़ा आया। जब से मैं मम्मी बनी हूँ ना तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि 99% काम तो हमें बच्चों के मूड के अकॉर्डिंग ही करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट जाकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। अभी जैसे कि मुझे शिवांशी के बाल सही करने थे तो जब उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ तभी उसने मुझे अपने बालों को टच करने दिया। और जब तक मैं शिवांशी के बाल ठीक कर रही थी मुझे पता ही नहीं चला कि शिवांशी ने मेरे पर्स से मेरा फेस पाउडर निकाल लिया है और वो उसको लगाने ही जा रही थी। वाओ, ब्यूटीफुल। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। मैं एक टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहती थी। पिछले कुछ मेरे व्लॉग्स में काफ़ी फ्रीक्वेंट ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि शिवांशी को कहीं ऑटिज़म तो नहीं है, उसके सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स आए, कई लोगों ने मुझे मेल भी किया, बट आप लोगों के कंसर्न के लिए थैंक यू सो मच। और हम लोगों ने डॉक्टर से बात किया जो कि काफ़ी अच्छे पीडियाट्रिशियन हैं, तो उन्होंने हमें यही बताया कि शिवांशी को कोई भी ऑटिज़म के सिम्टम्स नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं शिवांशी आई कॉन्टैक्ट भी करती है और शिवांशी अभी 1, 2, 3, 4 भी बोलना स्टार्ट कर दिया है और ABCD भी बोलती है। डॉक्टर का कहना यही था कि कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं लेट स्टार्ट करते हैं। जैसे शिवांशी अपने फर्स्ट बर्थडे पे बहुत अच्छे से चल रही थी और इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोलना भी ज़रूर शुरू कर देगी जल्दी से, क्योंकि गौरव ने भी ये 3 साल में ही बोलना शुरू किया था। तो उन्होंने यही कहा कि शिवांशी भी 3 साल तक आराम से बोलने लगेगी और अभी जैसा आप देख रहे हैं कि शिवांशी काफ़ी कुछ बोलने लगी है, तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। शिवांशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिवांशी हेल्दी और मस्त बच्चा है। और ट्रैवल करते टाइम पे हमें एक बहुत ही क्यूट से अंकल आंटी मिले थे। दरअसल उन्होंने गौरव को पहचान लिया था और उन्होंने कहा कि आप इसे सीरियल में एक्टिंग करते हैं, उन्होंने देखा है कई सीरियल्स में गौरव को और वो चाहते थे कि एक गौरव और हम लोगों के साथ में एक फ़ोटो क्लिक करवाना। बस थोड़ी देर में हम लोग स्टेशन पहुंचने वाले हैं और बादलों को देख करके तो ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि बहुत तेज बारिश शुरू हो जाए अचानक से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
रास्ते में ना ये एक नदी पड़ी थी और इसको देख करके शिवांशी कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी। और हमारी शिवांशी को पानी कितना पसंद है वो तो हम सभी जानते हैं। और जाते जाते आंटी अंकल जी शिवांशी को शगुन भी दे करके गए थे, उनको ऐसा लग रहा था जैसे अपनी पोती नज़र आ रही हो शिवांशी में। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए और शिवांशी को ना ऑटो में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है तो हम लोगों ने इसलिए ऑटो प्रेफर किया घर जाने के लिए। मजा आ रहा है तुमको? हाय हाय, इतना सुकून। आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाकर शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो यहीं तक था आज का हमारा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।